गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ मूली का अचार। मूली मैंने धुल लिया था, मूली मिर्ची दोनों मैंने धुल लिया था। मूली में थोड़ा धुलने में ज़्यादा ही मेहनत होती है, उसको जहाँ से जड़ें निकली रहती हैं थोड़ा चाकू से काट काट के निकालना पड़ता है। तो मैंने मूली को अच्छे से साफ कर लिया था। तो यहाँ पर मैं मूली को थोड़ा छोटा छोटा ही काटूंगी, क्योंकि तुरंत बनाना है। धूप में डालना होता तो मोटा भी काट देती, लेकिन मुझे तुरंत बनाना है इसको। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ मूली मिर्ची का अचार। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ। मैं खाली मूली और मिर्ची का ही बनाऊँगी। तो जो मिर्ची बड़ी है उसमें मैं 3 कर लूँगी, और जो छोटी है उसमें मैं 2 ही कर लूँगी। तो वैसे तो यह अचार अगर एक दिन धूप लग जाए तो और अच्छा बनता है, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है। मुझे 2-3 दिन में ही इसे ख़त्म कर देना है, तो मैं इसको तुरंत तुरंत बना लूँगी। अगर एक दिन धूप में सुखा देते हैं तो क्या होता है, इसका पानी अच्छे से सूख जाता है, तो चलता बहुत दिन तक है, जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाए। उसको ख़राब होने का डर नहीं रहता है। और पानी वाला क्या है, अगर 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा तो ये फिर खराब हो जाएगा, फंगस से लग जाते हैं इसमें। तो मुझे 2-3 दिन ही इसको चलाना है। मैं इसको ज़्यादा दिन नहीं रखूँगी, इसलिए मैं तुरंत तुरंत बना लेती हूँ इसको। तो मैं मिर्ची को यहाँ पे 2-2 भाग कर ले रही हूँ, और जो बड़ी है उसको 3 कर लूँगी। मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, और कढ़ाई में मैं थोड़ा ही सरसों का तेल डालूंगी। उसके बाद डाल दूंगी मूली मिर्ची। मुझे थोड़ा संभाल संभाल नीचे डालना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे पानी है। पानी को मैं छान के डाल देती हूँ, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इसको चला के एक बार ढक देंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, तो इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे इसको ढक दूंगी। आप गैस को धीमा ही रखें। हेलो गाइस, मॉर्निंग का तो टाइम चला गया है, बज रहे हैं 1:15। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, तो मैं आज कढ़ाई में सब्जी बनाने वाली हूँ। आज मन कर रहा है मुझे कढ़ाई वाली सब्जी खाने का, तो मैं कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी का। तो यहाँ पे मैंने गोभी को उबाल लिया है गर्म पानी में, और इसको निकाल लूँगी। इसमें गोभी में कीड़े रहते हैं, तो इसलिए मैं गोभी को हमेशा गर्म पानी में उबाल के रखती हूँ। जब भी बनाने का टाइम होता है तो इसको गोभी को छोटे छोटे काट के उबाल लेती हूँ, फिर उसके बाद ही बनाती हूँ। तो आज मैं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। मेरा अचार बन गया है मूली मिर्ची का। मैं हमेशा सब्जी कुकर में ही बनाती हूँ, को ही मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। जैसे आलू मेथी या साग बनाने हुआ तब कढ़ाई में बनाती हूँ, या चने की भाजी बनाने हुई तब कढ़ाई में बनाती हूँ। कुकर में ही बना लेती हूँ सब्जियाँ, मुझे जल्दी भी हो जाती है। और मैं गोभी को पानी से निकाल ली हूँ। आलू गोभी बनाने के लिए मैंने लिया है आलू गोभी, टमाटर मैंने 3 लिया है, मिर्ची 2, प्याज और थोड़ा सा अदरक, अदरक मैंने कस लिया है। तो अचार को मैं एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी, इसी में मैं सब्जी बना लूँगी। अचार को मैंने निकाल दिया है, और मैं डाल दिया है सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, उसके बाद मैंने डाल दिया है अदरक प्याज। अदरक प्याज जब हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। अब
तो अदरक प्याज मेरा यहाँ पे पक चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। टमाटर डाल के मैं 2-3 मिनट तक भूनूंगी, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर मेरा सॉफ्ट हो गया है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी गोभी। गोभी को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। मैं गोभी को पहले उबाल लेती हूँ कीड़े के चक्कर में, क्योंकि उसमें कितना भी देख के काटिए तो कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं कीड़े, इसलिए मैं पहले उसे उबाल लेती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ मसाले। मसाले में मैंने लिया है मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और मैं थोड़ा सा डाल दूंगी सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डाल के मैं एक बार सब्जी को फिर से चला लूंगी, उसके बाद ऐड कर दूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, जैसे कम ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हो तो मेरे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं ज़्यादा ग्रेवी बनाती हूँ। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ नमक, और नमक डाल के इसको ढक दूंगी। तो एक बार मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ, मेरी सब्जी पक गई है। तो मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती, जो मैंने पहले से ही धुल के काट के रख दिया था, तो मैं इसमें अब डाल दूंगी धनिया पत्ती। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को मैंने धुल के काट। यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया है, मैंने चावल भी बना लिया है, सब्जी भी बन गई है मेरी, अचार भी बन गया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा खाना बन गया है, आप लोग भी खा लीजिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मेरा पूरा खाना बनके तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।